गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आर एस वाल की टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन नंबर 12 टू 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, उसका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 11 to 18, ठीक है, सारे में क्या होगा, एक ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 11 टू 18 क्या है, टू डिजिट नंबर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने ये 11 नंबर क्वेश्चन में ये सबको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि अगर हम लोग टेंस डिजिट्स वाले टेंस प्लेस वाले के डिजिट को एक्स एज्यूम कर लेते हैं और यूनिट्स डिजिट वाले वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम लोग, वाई एज्यूम कर लेते हैं, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर ये 10x + y होगा और इंटरचेंज करने मतलब रिवर्स करने पर 10y + x होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये सब समझना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 देख कर आइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोग, मैं मान कर चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख कर आए होंगे और ये सभी आप समझ कर आए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स इज 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब क्या है कि एक नंबर है जो कि टू डिजिट का है। ठीक है, टू डिजिट का नंबर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, 10x + y। ठीक है, मतलब क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स, मतलब टू डिजिट्स का नंबर ये है और ये है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू डिजिट का नंबर क्या है मेरे पास, ये है। क्या कह रहा है इसके बारे में, डिजिट इज 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ये किसके इक्वल है, इसके डिजिट, ये डिजिट कौन कौन सा है, एक्स और वाई, इसके सम के 7 times के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो नंबर है टू डिजिट का, इसके डिजिट कौन कौन से है, एक्स और वाई, इसके सम का कितना है, 7 times है। इसके सम का कितना है, 7 times है। अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग का एक इक्वेशन मिल जाएगा, हम लोग उसके बाद आगे पढ़कर दूसरे इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x + y इक्वल टू 7x + 7y हो जाएगा। अब कुछ मत कीजिए, सारे टर्म को इधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x - 7x, देखिए 10x - 7x ये क्या है मेरे पास, प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, वाई लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या प्लस है, तो इधर आके मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इधर जीरो हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x - 7x मेरे पास कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y - 7y कितना आ जाएगा मेरे पास, -6y आ जाएगा इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेकर हम लोग उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे, तो x आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये y आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, 3 को उधर कर दीजिए 0 के, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x - 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया, हम लोग इक्वेशन 2 के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, डिजिट्स तक तो हो गया, सम ऑफ इट्स डिजिट तक हो गया, आगे पढ़िएगा क्या बोल रहा है, व्हेन 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ठीक है, मतलब क्या कि जब मेरे पास एक्चुअल टू डिजिट का नंबर कौन सा है, ये है 10x + y। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा, 27 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब इस नंबर में से 27 को क्या किया जा रहा है, सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो फिर से लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास नंबर कौन सा है टू डिजिट का, 10x + y, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x + y। ठीक है, इसमें से क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, 27 को सबट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो 27 को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 27 को सबट्रैक्ट कर दिए, तो क्या आ जाता है मेरे पास, क्वेश्चन पढ़िएगा, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब क्या है, ये जो डिजिट्स हैं एक्स और वाई रिवर्स कर जाते हैं। जो हम लोग कंडीशन पढ़े थे रिवर्सिंग का, क्या होता था, यहाँ पे रिवर्स कर जाता था, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, मतलब जो हम लोग को नंबर मिलेगा ये मिलेगा, रिवर्स होने के बाद जो आया वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 10y + x ये रिवर्स वाला है। ठीक है, मतलब नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो मेरे पास जो रिवर्स वाला नंबर है वो मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद किसी भी एक मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई को इधर ले आएंगे, 27 को उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10x पहले से प्लस में है और इस x को इधर लाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, प्लस y लिख लीजिए और यहाँ पे ये प्लस 10x है,
सॉरी प्लस 10y है, तो इधर आके मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10y आ जाएगा, और ये 27 माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ऐसा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हम लोग इक्वेशन 2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 10x लिखा हुआ है माइनस x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 9x कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, y माइनस 10y है, ठीक है, तो y माइनस 10y क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 9y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस 9y कर लेंगे, इक्वल का साइन देकर 27 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों में से 9 को कॉमन लेकर इधर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 9 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ तो 9 कॉमन ले चुके तो वाई आ जाएगा, और इधर मेरे पास क्या था, 27 था, ठीक है। अब इसको कट कीजिएगा तो ये 3 टाइम्स में चल जाएगा, मतलब जो सेकेंड इक्वेशन निकला एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना निकला, यहाँ देखिए 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है यहाँ से, इक्वेशन नंबर इसको 2 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये आया था, सेकेंड इक्वेशन ये आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो मुझे बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, या तो एक्स वाले टर्म को इक्वल करते थे या फिर वाई वाले टर्म को इक्वल करते थे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, मतलब एक्स वाला टर्म पहले से इक्वल करके है, तो मुझे अब कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस अब हम लोग देखेंगे कि ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस साइन मतलब कुछ नहीं, मतलब प्लस है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, अगर ऐड कर दें तो ये तो दोनों ऐड हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है, तो ये तो मेरा कटेगा नहीं, काटने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये एक मेरा कट जाएगा, बाई का कुछ वैल्यू आएगा, वहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इस नंबर को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बस लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या है मेरे पास, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 है, और सेकेंड क्या है, x माइनस y इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ से ऐसे साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा कट गया, माइनस 2y यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2y प्लस y, अब ये जो साइन चेंज हुआ ये इसका हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y प्लस y क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस y हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस y लिख देंगे, इक्वल का साइन है इक्वल दे देंगे, इधर क्या आ गया मेरे पास, माइनस 3 है, और ऐसे लिख लेंगे इसको, इसको कट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, ठीक है, y मेरे पास मिल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, कुछ मत कीजिए, किसी एक में पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक में पुट कर दीजिए, हम लोग सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in second we get, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिएगा x है, माइनस है, और y, y के बदले कितना रख दे, 3 रख दे क्या, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और इक्वल का साइन देंगे, इधर कितना है मेरे पास, 3 है, और यहाँ से अगर x निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पे पहले से 3 है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हुआ तो 3 आ गया, यहाँ पे x कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब y 3 आ गया और x कितना है मेरे पास, 6 आया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा होगा, ये होगा, तो लिखिएगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टू डिजिट्स इज क्या, लिखिएगा 10x प्लस y, ठीक है। अब बस x और y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका वो टू डिजिट का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दीजिए, यहाँ पे x, x के बदले कितना, 6 लिख दे क्या, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, वाई, वाई कितना है मेरे पास, 3 आया है क्या, तो यहाँ से 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो लिखिएगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 63। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि 11 to 18 में सेम टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब टू डिजिट नंबर वाले का प्रॉब्लम है, तो ये चारों को तो आपको समझ के रखना है। इसको कैसे समझेंगे, अगर आपको डिटेल में समझना है
तो क्वेश्चन नंबर 11 में जाइए, मैंने इसका अच्छे से बहुत अच्छे से इसको समझाया है कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, 10 बाई प्लस एक्स क्यों लिखते हैं, सारे चीज को अच्छे से समझाया। तो सबसे पहले आप 11 को देख कर आइए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। मतलब क्या बोल रहा है, किसका सम, देखिएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट, मतलब टू डिजिट का डिजिट कौन सा है, ये मतलब ये तो नंबर है मेरा, लेकिन डिजिट्स कौन कौन सा है, तो मेरे पास टेंस डिजिट ये है और यूनिट प्लेस का डिजिट ये है, मतलब मेरे पास डिजिट ये दोनों है, ठीक है। और नंबर अगर बोलता तो कौन सा लेते हम लोग, ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरे पास डिजिट्स बोल रहा है, तो डिजिट्स कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, मतलब एक्स प्लस वाई की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, तो डिजिट्स तो ये हो गया, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 15 बोल रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब क्या है कि जो हम लोग को नंबर मिल रहा है डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, तो हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा नंबर मिलता है इंटरचेंज करने के बाद, मेरे पास ये नंबर मिलता है 10 बाई प्लस एक्स मिलता है, ठीक है। तो फिर से लिखिएगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 10 बाई प्लस एक्स, क्योंकि इंटरचेंज करने के बाद यही हम लोग को नंबर मिल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पढ़िएगा आगे, एक्सीड्स, ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 9, मतलब जो गिवन नंबर है मेरे पास, ये जो गिवन नंबर है इससे कितना ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, 9 ज्यादा है, ठीक है। तो ये किससे ज्यादा है, ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर है उससे कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके हेल्प से सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे और इसको फटाक से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x है, तो इसको x को ऐसे ही रहने दीजिए, ये 10x को इधर लाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 10x आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास, 10y है, साइन कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब है कि प्लस में होगा, ठीक है, 10y। अब y को क्या कर रहे हैं, इधर ले आ रहे, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना चाहें तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस 10x कितना आ जाएगा, माइनस 9x आ जाएगा, ठीक है। और 10y माइनस बाई कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा और इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो मेरे पास एक सिंपल सा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। 9 दोनों में से क्या करें, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 9 कॉमन ले लें तो माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये तो 9 कॉमन जा चुका है, तो वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा और इसको कट कर दीजिए 1 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, या तो एक्स को इक्वल कीजिए या फिर वाई वाले टर्म को इक्वल कीजिए, यहाँ पे दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि एड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों ऐड होकर कट जाएगा, एक प्लस में एक निगेटिव में, तो कट जाएगा, ठीक है। और मेरे पास वाई का कुछ वैल्यू आ जाएगा, वाई का वैल्यू निकाल कर किसी एक में पुट कर देंगे तो वहां से मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा और हम लोग नंबर को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, क्या कर रहे हैं, बस सिंपली 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेगा वाई एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद लिखेगा 1 प्लस 2, ठीक है। 1 कितना है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब 2 देख लेते हैं कितना है मेरे पास, माइनस x है प्लस वाई है इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते तब साइन चेंज होता। अब यहाँ पे देखिए सिंपली ये देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। y प्लस वाई कितना, 2y हो जाएगा क्या ऐड होकर, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया, 15 प्लस 1 16। अब यहाँ से y निकालना चाहिए तो 16y2 कर दीजिए, 16y कितना कर देंगे, 2 कर देंगे और यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मतलब क्या कि y इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग को x फाइंड करना है, चलिए तो x कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 8 आ चुका है,
या तो आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए या फिर टू में पुट कर दीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखिएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहले एक्स है प्लस वाई, वाई के बदले कितना 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वल का साइन और 15 दे देंगे, तो 15 दे दीजिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 है, और इसको उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? नहीं, हम लोग को ये जो नंबर है टू डिजिट का उसको फाइंड करना है। तो लिखिएगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टू डिजिट इज, कितना लिखेंगे 10x प्लस y कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है 10 और x, x कहाँ गया मेरे पास, x आया है 7, तो इंटू 7 कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, y y कहाँ है मेरे पास, y है 8, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 70, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। लिखेगा हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टू डिजिट इज 78, ठीक है, समझ में आया होगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, डिटो पिछले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। और आप लोग को ये सब सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस में लिखकर रखना है टू डिजिट नंबर वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। तो चलिए, ये कहाँ से आया, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे सबसे पहले जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, द टू डिजिट नंबर मतलब मेरे पास कौन सा टू डिजिट नंबर कौन सा है, ये है 10x plus y। सबसे पहले इसको लिख ले क्या, यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बोल रहा है, अ टू डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर कौन सा है मेरे पास, ये है 10x plus y, इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है इज, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, थ्री मोर देन मतलब 3 ज्यादा है किससे, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसका डिजिट कौन कौन सा है, एक एक्स है और एक वाई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा है, वाई है, हम लोग एज्यूम किए हैं, और टेंस प्लेस पे कौन सा एज्यूम किए हैं, एक्स है, तो इनका डिजिट कौन सा हो गया, एक्स और वाई हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इस डिजिट के सम का सबसे पहले 4 टाइम्स करेंगे, देखिए 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब इस सम क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, और इसका अगर 4 टाइम्स करना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, वही बोल रहा है क्या, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा, क्वेश्चन पढ़िएगा 3 मोर देन, सब आगे ही पढ़िएगा, अ टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन, 3 मोर देन किससे, 3 मोर देन मतलब ज्यादा होता है, 3 मोर देन द क्या, 4 टाइम्स द, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है, इट्स डिजिट, समझ में आया। चलिए अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 एज मान लेंगे हम लोग, यहां से क्या करेंगे 10x plus y कर लेंगे और इक्वल का साइन दे देंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म, तो यहीं तक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना है मेरे पास 3 है, तो ऐसे कर लेंगे, अब इसको इन दोनों को इधर कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे 10x है, अब इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है। प्लस वाई है तो प्लस वाई कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस 4y है तो इधर ले आके क्या कर लेंगे माइनस 4y कर लेंगे, और इक्वल टू 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर करना चाहें तो 10x माइनस 4x मेरे पास 6x हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे देखिए वाई माइनस 4y माइनस 3y हो जाएगा क्या, तो यहाँ से क्या लिख देंगे माइनस 3y कर लेंगे, और इक्वल का साइन देखकर 3 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों से आप 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको कट करना चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, और मेरे पास कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब मेरे पास नंबर कौन सा है टू डिजिट का 10x plus y, इसमें क्या किया जा रहा है 18 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा आगे इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास जो नंबर है 10x plus y, इसमें क्या किया जा रहा है 18 को ऐड किया जा रहा है, 18 को जब ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, क्वेश्चन पढ़िएगा द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब मेरे पास कहने का मतलब क्या है, जो डिजिट्स है ये रिवर्स कर जाता है, मतलब
ये इंटरचेंज कर जाता है, रिवर्सिंग वाला हम लोग जो केस पर है यही, मतलब ये नंबर हम लोग को आ जाता है, मतलब मिल जाता है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, 10 बाई प्लस एक्स कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसको सॉल्व करके जो नंबर है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, एक्स वाले टर्म को सबसे पहले इधर कर लेते हैं, यहाँ पे बस क्या है 10x है और इस ये प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में y है तो प्लस y, और यहाँ पे प्लस 10y है तो इसको इधर कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 10y, और यहाँ पे मेरे पास प्लस में 18 है तो उसको उधर कर दीजिए तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने जो बोला उसको समझ के आप यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स गलती से लिखा गया। चलिए देखिए, अब 10x माइनस एक्स मेरे पास 9x हो जाएगा क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9x लिख लेंगे, 9x, ठीक है। अब प्लस वाई माइनस 10y, माइनस 9y हो जाएगा क्या, तो यहाँ से माइनस 9y कर लेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू क्या कर लेंगे, माइनस 18 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब 9 को कॉमन लेकर इधर कर दीजिए और मेरे पास सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, माइनस 18, इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा, मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 है यहाँ पे, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, माइनस 2 है यहाँ पे, ये कटा तो माइनस 2 आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, वहां से हम लोग इस नंबर को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये है, सेकेंड इक्वेशन कहाँ है, ये है। देखिए यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, या तो एक्स को इक्वल करते हैं या फिर वाई को इक्वल करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो वाई वाई दोनों में इक्वल है, बस क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो साइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बस कुछ नहीं करेंगे, वन माइनस सेकेंड करेंगे और हम लोग को कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, लिखेगा वाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, वन कहाँ गया, 2x माइनस वाई है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और 2 कितना है मेरे पास, x माइनस वाई है, और इक्वल टू कितना है, माइनस 2 है, तो यहाँ से माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन है तो साइन हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो उसका हम लोग प्लस कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो माइनस और ये प्लस कट गया, 2x माइनस एक्स, कितना x हो जाएगा क्या, तो x लिख देंगे इक्वल टू 1, और ये साइन अब चेंज हो चुका है, प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा क्या, तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ मत कीजिए, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या फिर सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए रखते हैं, किस में रख लेते हैं, वन ही में रख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन वी गेट, ठीक है, इक्वेशन वन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं, 2x है तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे, 2, और x के बदले कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 कर लेंगे, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे देंगे, y का तो वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल टू 1 कर लेंगे, ठीक है, कुछ मत कीजिए, 6 हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 1, ठीक है। अब कुछ मत कीजिए, y को उधर कर दीजिए, 1 को इधर कर दीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या कर रहे हैं हम लोग, y को उधर कर रहे हैं तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस में तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 6 माइनस, ये इधर गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू, अब ये y माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी क्या, नहीं ना, हम लोग को फाइंड करना था ये 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, तो लिखिएगा हेंस द 2 डिजिट नंबर इज, आगे लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 10x प्लस y इक्वल टू, अब x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 है यहाँ पे, 10 लिख लीजिए, x, x कितना है मेरे पास, 3 आया है क्या, तो यहाँ से 3 कर लेंगे, प्लस का साइन दे देंगे, y, y कहाँ गया, y मेरे पास 5 आया है, कितना आ जाएगा, 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए हम लोग
थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या कहीं पे समझ में नहीं आती है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, या फिर यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है, आप यहाँ पे इंस्टा पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।